नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में जो इमिनेंट गेस्ट और पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं वो भारत के चिकित्सा जगत की एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ती मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि निश्चित तौर पर चिकित्सक का जो दर्जा है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कोविड के बाद हमने इसको और बहुत नज़दीक से इंटेंस तरीके से समझने की एक अंदर तक हमारी भावनाओं तक ये बात पहुंची है। वो भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर और सीईओ हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक मेडिकल जर्नल में उनके रिसर्च, उनका शोध पत्र और उनकी विशेषज्ञता, इसका लगातार प्रदर्शन होता रहा है। और ट्रोमा सर्विसेज की मैं बात करूं या फिर आर्थोपेडिक्स की बात करूं और स्पेशली पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक्स की अगर मैं बात करूं तो उसके वो बहुत ही ख़ास विशेषज्ञ हैं। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह जी जो डायरेक्टर और सीईओ हैं एम्स भोपाल के। सर बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें डॉक्टर साहब हम थोड़ी सी पिछली यात्रा की तरफ चलते हैं। मैं अक्सर याद करता हूं कि टाइम मशीन में जैसे बैठ के पीछे जाते हैं तो गाजियाबाद आपका नेटिव प्लेस रहा, लेकिन आप मानते हैं कि किंग जॉर्ज ही आपकी कर्मस्थली और अब तो वही जगह है। आप अपने बैकग्राउंड के साथ आप याद करते हैं कि जब 15-16 साल के आप थे तो जहन में क्या था, मतलब घर में क्या, किस तरह का कोई माहौल था एकेडमिक का, पढ़ाई लिखाई का, जिस लेवल पे आप अपने को उभरते हुए, तो उस समय क्या सोच थी और कैसे आगे जीवन को आप देख रहे थे किशोर के नाते? जरूर। देखिए ऐसा है कि जैसे 15-16 साल के आपने बोला तो उस समय जो भी होता है, शायद हम उस जनरेशन में हैं जहां बहुत दूर का नहीं सोच पाते थे और हम लोग इसी में खुश रहते थे कि यदि हमने 12th में हमने गए और हमने 12th पास कर लिया तो हमें लगता था हमने सब कुछ अचीव कर लिया। आज की जनरेशन ज़रूर बहुत आगे का सोचती है, हम लोग उस समय उतना आगे का नहीं सोचते थे। तो मेरा अपनी इच्छा जो थी इंजीनियर बनने की थी और मेरे फादर जो एक खुद प्रोफेसर फिजिक्स के रहे हैं गाजियाबाद में, तो उन्होंने कहा कि मेरा सबसे बड़े भाई हैं वो इंजीनियर ऑलरेडी थे, तो उन्होंने कहा नहीं एक इंजीनियर बन गया, अब दो इंजीनियर नहीं चाहिए, तुमको डॉक्टरी में जाना होगा। तो बिना कुछ पूछे बिना कुछ जांचे जैसे होता था उस समय, हमें जो है बायोलॉजी दे दी गई और हमने फिर इसी को अपने प्रोफेशन को हमने अपनाया। आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरी 12th तक जो है पढ़ाई लिखाई जो है वो गाजियाबाद में हुई, लेकिन उसके बाद फिर मैं 80 में जब लखनऊ आया एक विद्यार्थी बन के मेडिकल अंडर ग्रेजुएट, तो फिर मेरी सब कुछ फिर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो पहले उस समय कॉलेज हुआ करता था उसी में सब रहा। मैं वहीं से मैंने MBBS किया, वहीं से मैंने आर्थोपेडिक्स में MS डिग्री ली, उसी में फिर मैं फैकल्टी बन गया और धीरे धीरे विभागाध्यक्ष बना। नई विधा मैंने शुरू की, जैसे आपने बताया पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक्स। पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक्स पहले कोई भी एक डिग्री नहीं होती थी, हमने प्रयास करके जो हमारा NMC है, MCI उस समय हुआ करता था, उससे कहा कि बच्चों की हड्डियों को लेके मैंने महसूस किया कि बच्चों की हड्डियों के संबंधित कहीं पे भी कुछ टीचिंग ट्रेनिंग नहीं है और 30% पॉपुलेशन बच्चों की होती है। और जब मैं छोटा था, शायद 5-6 साल का रहूँगा, तो मेरे को खुद एक फ्रैक्चर हुआ जो गलत उस समय जुड़ गया और मैं आज भी मेरे हाथ में उसकी वजह से थोड़ा सा टेढ़ापन है। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं हमको इसको आगे बढ़ाना चाहिए और आज मैं आपके पास हूँ और मैं विभागाध्यक्ष बना, नए डिपार्टमेंट बनाया, नई डिग्री बनाई। MCH पहली बार किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में MCH पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी पहली डिग्री, भारतवर्ष की पहली डिग्री मैंने इस पर आगे किया। और उसके बाद फिर इन सब मेरे कंट्रीब्यूशन को देख के उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझको नोएडा सेक्टर 30 में एक चाइल्ड पीजीआई हुआ करता है उसका मुझे निदेशक बनाया। और वहाँ से फिर जो है मैं भारत सरकार के माध्यम से आपके बीच में एम्स भोपाल में आ गया। वाह, तो देखिए ये कितनी महत्वपूर्ण बात हमें पता चली कि एक इंसिडेंट जो बचपन में सर के साथ हुआ उसने इतना मोटिवेट किया कि हम इन्होंने मेडिकल स्ट्रीम को एक नई विधा ही दे दिया आपने। बिल्कुल। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 30% पॉपुलेशन बच्चों की है और हम उनके शरीर के बारे में शायद वयस्कों की तुलना में उतना नहीं जानते थे। बिल्कुल पहले। बिल्कुल। तो वाह, तो आज ये कितने मेडिकल कॉलेजेस में ये स्ट्रीम है सर? देखिए मुझे बहुत खुशी है कि 2020 में हम लोगों ने 20 में अभी मैंने 12 में शुरू किया था इस पे अपनी मेहनत करना, इस पे कार्रवाई करना। तो मुझको गवर्नमेंट के एनएमसी के पॉलिसी मेकर्स को समझाने में 8 साल लगे कि ये एक विधा ऐसी है जो जिसको अलग होना चाहिए। हाँ, 8 साल बाद जब उन्होंने हाँ कर दिया तो आज जो है सिर्फ और सिर्फ 5 जगह पे ये पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक्स की डिग्री दी जाती है। उसमें एम्स भोपाल भी अपने आप में एक है, लेकिन पहली डिग्री जो थी वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से मिलनी शुरू हुई थी, लेकिन अभी सिर्फ 5 जगह है। लेकिन मैंने प्रयास किया, उस प्रयास की वजह से अब एनएमसी के अलावा एक नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन होता है एनबीई, जो जिसने उसको रिकॉग्नाइज़ किया। तो एनएमसी के अलावा नेशनल बोर्ड ने भी इसको इस पे डिग्री शुरू कर दी है और उस डिग्री का नाम एफएनबी होता है, एफएनबी जी, पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक्स। तो दोनों ही हमारे यहाँ पे 2 ही संस्थाएं हैं जो मेडिकल डिग्री देती हैं, एक एनएमसी और एक नेशनल बोर्ड, और दोनों ने इसको अपना लिया है। यूरोप में क्या सिनेरियो है सर इसमें? आपको शायद विश्वास ना हो, इसकी डिग्री यूरोप में भी नहीं है। भारत एक पहला ट्रेनिंग होती है यूरोप में, लेकिन जो डिग्री है वो बाहर भी नहीं मिलती है। कुछ लोग 1-1 साल की फेलोशिप देते हैं, लेकिन जो डिग्री हम एमसीएच दे रहे हैं, लोग जब मैं बताता हूँ किसी को तो लोगों को विश्वास नहीं होता है कि क्या भारत भी, लेकिन आपको तो मालूम है कि भारत अब बहुत सारी चीज़ों में प्रथम हो रहा है, पायनियर हो रहा है, प्रथम हो रहा है। तो हम भी इसमें प्रथम है। सर करीब करीब 7-8 साल पहले मैंने एक लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट जो है उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि पहले हमारे पास सबसे ज़्यादा जो पेशेंट आते थे दिल के वो आईटी सेक्टर से आते थे, बट करीब करीब 15 साल से ये सिनेरियो चेंज हुआ और अब सबसे ज़्यादा बैंकर्स, क्योंकि बैंक पर बड़ा प्रेशर है। मैं देख रहा हूँ कि मेडिकल में जब से मेडिकल इंश्योरेंस और केंद्र सरकार की योजनाओं से इंश्योरेंस एक आम आदमी और लोअर क्लास को भी मिला है, तो मैं देख रहा हूँ मेडिकल हमारे जो सिस्टम्स हैं उनके पर बड़ा प्रेशर है। केसेस आ रहे हैं, बहुत सारा अवेयरनेस भी है अपने शरीर को लेकर। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मीट आउट कर रहा है इस चुनौती को ठीक से, निजी और सरकारी क्षेत्र का? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अभी दिमागी तौर पे हम लोग एक भीड़ चाल में हैं, जिसमें कुछ चीज़ें हमने विदेश से ले लिया, लेकिन अभी हमने उसके लिए पूरी तरीके से अपने को तैयार नहीं किया। ख़ास तौर से जो डिमांड और सप्लाई का जो डिफरेंस है, मतलब जितने मरीज़ हैं और जितनी हम सप्लाई करते हैं हेल्थ सर्विसेज को, वो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा अभी और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। जो भारत सरकार है और जो क्षेत्रीय सरकारें हैं वो उन्होंने बहुत अच्छा, मैं क्योंकि खुद डॉक्टर हूं तो मुझे मालूम है कि उन्होंने हेल्थ में बहुत ज़्यादा अपने आप को आगे सर्विसेज को क्रिएट किया है, लेकिन अभी और हमें मेहनत करना है। हम लोग जितना ज़्यादा मेहनत डॉक्टर्स को बनाने में कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हमको जो हमारी एलाइड सर्विसेज हैं, चाहे वो नर्सिंग की हों, चाहे वो टेक्नीशियंस हों, चाहे वो इनोवेशंस हों, मतलब इनोवेशन का मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में भारतीय परिवेश में किस प्रकार से बनाई जा सकती है, हमें उस पर काम करने की। और जो आज की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उस पर उसका, जैसे आपने भी बोला कि नए नई चीज़ों को करने में काफ़ी ज़्यादा उसका विश्वास है, तो मुझे लगता है कि अब हम लोग उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं जहाँ पे जो हम लोग अभी तक डेफिसिट थे वो हम लोग मेडिकल एजुकेशन में उतने डेफिसिट नहीं थे, मतलब डॉक्टरों की पढ़ाई में उतनी कमी नहीं थी, नर्सेस को बनाने में और टेक्नीशियन को बनाने में हमारे यहाँ कमी थी, और जो नर्सेज और टेक्नीशियन हम बनाते भी थे वो भी विदेश में चले जाते थे क्योंकि हम अच्छी क्वालिटी के बनाते थे। अब हमने जो सरकार है उसने इनको ना सिर्फ संख्या बढ़ाई है, नए नर्सिंग कॉलेजेस और पैरामेडिक कॉलेजेस खोले हैं, बल्कि उनके सर्विस के जो उनको चाहे वो पे हो चाहे और भी इंसेंटिव हो वो काफ़ी अच्छे किए हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे आने वाले समय में हेल्थ सर्विसेज बहुत पॉजिटिव और हेल्दी वे में आगे बढ़ रही हैं। आजकल सर कमर्शलाइजेशन की बात आपने की, तो ये हर तरफ है ये चीज़। चौथे स्तंभ यानी हमारे लिए भी कहा जाता है कि आपका नज़रिया भी अब पहले जैसा नहीं रहा, पॉलिटी के लिए भी कहा जाता है, जुडिशरी के लिए भी कह दिया जाता है, कई बार कार्यपालिका के लिए भी, एग्जीक्यूटिव के लिए भी कह दिया जाता है, मेडिकल प्रोफेशन के लिए भी ये बात की जाती है। लेकिन आप जिस क्षेत्र में हैं वो एक सेवा का क्षेत्र है, गवर्नमेंट रिडन एक बहुत ही इमिनेंट एजेंसी है, लेकिन ये सेवा का भाव आपकी जनरेशन में, और शायद मैं भी विनम्रता से कहूँ तो मेरी पीढ़ी में भी ये रहा। हमें सिखाया गया कि एक कोई ताकत है, कोई शक्ति है, इसको कुदरत कहिए, नेचर कहिए, ईश्वर कहिए, वो आपका मूल्यांकन कर रही है। लेकिन अब की पीढ़ी में ये भाव है कि धन से बड़ा शायद कुछ नहीं है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो घर से ही, जो कहते हैं ना, पहले जो पहला टीचर होता है वो माँ और बाप होते हैं। सबसे पहले टीचर तो माँ होती है, फिर उसके बाद घर की परिस्थितियाँ होती हैं, घर के लोग होते हैं, फिर समाज के लोग होते हैं, फिर स्कूल शुरू होता है। स्कूल आप पैदा होते ही नहीं पहुँचता, वो 2 साल बाद 2.5 साल के बाद पहुँचता है, उससे पहले तो उसने बहुत कुछ देखा होता है। तो समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहे हैं नई जनरेशन के परिवेश में, जो जिसको हम लोग कहते थे ना संस्कार। तो संस्कार का मीनिंग अब बदल गया है। अब मीनिंग, पहले कहते थे सच्चाई, सच बोलो, और पेरेंट्स कोशिश करते थे कि अपने आप को एक रोल मॉडल की तरीके से, जैसे मैं अपने फादर को देखूँ तो वो कहते थे कि आपको जैसे वो सरकारी टीचर थे तो वो कभी भी प्रैक्टिस नहीं की, उन्होंने वो ट्यूशन नहीं दिया किसी को, क्योंकि उनको लगता था कि भाई मेरी जैसा, तो मैंने खुद प्रैक्टिस नहीं किया। तो ये चीज़ जो है कि आप सीखते हैं कहाँ से, अपने पेरेंट्स को देख के, अपने टीचर्स को देख के। तो रोल मॉडल्स ख़त्म हो गए हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यहाँ पे भी बोलता हूँ कि हमें रोल मॉडल बनने की ज़रूरत है। लोग देखें और पहचानें और आपकी तरफ देखें कि जब उनको कुछ कन्फ्यूज़न हो, जब उनके पास कोई उनको जवाब की ज़रूरत हो, तो उनको लगे कि यदि अजय सिंह होते तो वो कैसा करते। वो यदि वो चीज़ हम रोल मॉडल, हमारे यहाँ रोल मॉडल्स ख़त्म हो गए हैं। हमारे यहाँ रोल मॉडल क्या है? हमारे यहाँ रोल मॉडल बॉलीवुड के हीरो हैं, हम उनको रोल मॉडल मानते हैं। क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, हम उनको रोल मॉडल बोलते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से रोल मॉडल आपके टीचर होते हैं। क्या आप यहाँ नवाचारी प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि हमने बहुत आपके बारे में सुना है कि आपने बहुत कोशिश की है, और सबसे महत्वपूर्ण कोशिश की है कि इंडिजिनस जो हमारे अपने भारतीय पद्धति की चिकित्सा प्रणाली है, क्योंकि दिल तो हिंदुस्तानी है सर, जिगर भी हिंदुस्तानी है, किडनी भी हिंदुस्तान की यहाँ के एनवायरनमेंट में है, तो आप उसको बाहर से तुलना नहीं कर सकते। तो आप क्या एम्स भोपाल किस तरह से आगे बढ़ रहा है और क्या चीज़ें अब तक आपने की हैं? देखिए, मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, करने की कोशिश की है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने कितना सक्सेस में हो पाया, ये आप ज़्यादा अच्छा बताएंगे या जो दर्शक हैं वो ज़्यादा इस बात को बता पाएंगे कि हमने क्या किया। लेकिन हमने प्रयास ज़रूर किया और ईमानदारी के साथ प्रयास किए। एक चीज़ जो मैंने शुरुआत किया कि मरीज़ तक, जो आपने कहा कि एम्स कहीं मरीज़ तक नहीं पहुँच पा रहा था, मतलब मरीज़ों को एम्स में आने की ज़रूरत होती थी। मैंने पहली बात शुरू की कि एम्स को कैंपस से बाहर निकल के मरीजों तक पहुंचना हो, तो हम लोगों ने बहुत से ऐसे नई चीज़ें शुरू की जिसमें टेली कंसल्टेशंस हम लोगों ने किया, टेली हेल्प हमने शुरू किया। और मुझे बहुत खुशी है आपको ये बताते हुए कि हम लोगों ने पहली बार, शायद हम पहले मेडिकल संस्थान है जिसमें हमारे हर एम्प्लॉई ने 2-2 फैमिलीज़ को अडॉप्ट कर रखा है, 2 फैमिलीज़ को, एक भोपाल में और एक उसकी नेटिव प्लेस में। तो यदि उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उस एम्प्लॉई को बताता है, जैसे नर्स है या स्टूडेंट है तो वो उसको पहले एक संपर्क करेगा, वो हमारे यहाँ के जो कंसल्टेंट हैं उससे कंसल्ट करके फिर हम वापस बताएंगे। तो हम लोगों ने कैंपस से बाहर चीज़ें किया, जिसको कहते हैं आउटरीच हम लोगों ने शुरू किया। जो हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो यूनानी हो, उसका हमने जो डिपार्टमेंट था उसको हमने एक्टिवेट किया। और आज मैं बहुत ही सम्मान से कह सकता हूं कि हमारे यहाँ ये 5 विधाएँ जो अल्टरनेटिव की हैं उसको और मॉडर्न मेडिसिन को मिला के हमने एक इंटरएक्टिव क्लिनिक बनाई। उस इंटरएक्टिव क्लिनिक का मतलब यह है कि मरीज़ एक ही छत के नीचे जब मरीज़ आएगा तो आप एक ट्रेडिशनल मेडिसिन के फिजिशियन हैं तो आप भी उसको देखेंगे और मैं यदि एक मॉडर्न मेडिसिन का फिजिशियन, हम दोनों एक साथ बैठेंगे और एक दूसरे के आपस में सलाह करके हम उसको ट्रीटमेंट देंगे। तो अब वो हमारे एम्स में वो लड़ाई नहीं है कि ये मैं अलग, मैं अच्छा डॉक्टर कि तू अच्छा डॉक्टर, हम दोनों अच्छे डॉक्टर और मरीज़ के लिए हम एक डॉक्टर। और इसमें हमने रिसर्च पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और रिसर्च पे हमने इसलिए ध्यान दिया कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की जो ग्रोथ नहीं हो पा रही है भारतवर्ष में, क्योंकि उसने एविडेंस नहीं बनाई, उसके ने पेपर नहीं छापे। वो हमारे दादा परदादा ने हमको बताया कि ये ऐसा होता है, लेकिन उसको हमने सिद्ध नहीं किया, तो हम उसको सिद्ध कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक ट्रांसलेशन मेडिसिन डिपार्टमेंट है जो ये कहता है कि जो जड़ी बूटी हम दे रहे हैं उसमें क्या इंग्रेडिएंट हैं और उसने बॉडी में क्या क्या चेंजेस किए, हम उसको सिद्ध करते हैं और फिर हम उसको छापते हैं। उससे हमको बहुत खुशी होती है, क्योंकि फिर जो हमारे मॉडर्न मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उसको मान लेते हैं। अभी आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे जो हीलर्स हैं ना, जो ये जो ट्राइबल एरियाज़ में जो सो कॉल्ड डॉक्टर्स जो काम करते हैं उनको हीलर्स के रूप में कहते हैं, हमने उनकी मेडिसिन को फिर जांच करनी शुरू की, क्योंकि एक बड़ी संख्या जनसंख्या को वो लोग दवाइयाँ दे रहे हैं और लोग खुश हैं और हज़ारों सालों से चल रहा है, तो कुछ तो दम है उसमें। हम ये नहीं कह सकते कि साहब ये बेकार है, हो सकता है कि उसमें मिलावट हो गई हो, लेकिन कुछ तो दम है। तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और एक हमने नया अपना एक वार्ड बनाया है जो सिकिल सेल एनीमिया जो होता है, सिकिल सेल का एनीमिया या हीमोग्लोबिनोपैथीज, उसके लिए हम लोग इस प्रकार से आयुर्वेदिक जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की दवाइयाँ और एलोपैथिक की दवाइयाँ दोनों को हम ठीक करने का दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, जल्दी आप हमारे यहाँ पे लीवर ट्रांसप्लांट देखेंगे, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए ऑलमोस्ट तैयारी पूरी हो गई है हमारी, कॉर्निया ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट हम लोग कर ही रहे हैं। मरीज़ों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 5000 से ज़्यादा मरीज़ हम प्रतिदिन देख रहे हैं, लगभग हमारे 100% बेड अब भरे रहते हैं। इमरजेंसी में हम लोग फ्री 24 घंटे फ्री ट्रीटमेंट देते हैं, किसी को बिना ट्रीटमेंट दिए भर्ती ना कर पाएँ, लेकिन हम ऐसा नहीं करते बिना ट्रीटमेंट किए किसी को हम वापस कर दें। तो हर फील्ड में हम लोगों ने कुछ ना कुछ प्रयास किए हैं, क्या वो कितने सक्सेस हैं वो आप हमें बताएंगे। निश्चित तौर पर सर ये बहुत ही रिमार्केबल बात है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में, और आपने ठीक कहा कि ट्राइबल एरियाज़ में ओझा बैगा गुनिया जो है ये भले ही अपनी मान्यता ना रखें, लेकिन हीलर्स के तौर पर वो सदियों से हैं, आप उनको खारिज नहीं कर सकते हैं। और मैंने भी एक जर्नलिस्ट के तौर पर, हालांकि मध्य प्रदेश के बाहर की बात है, छत्तीसगढ़ जब दोनों राज्य एक थे तो मेरी बड़ी दिलचस्प निगाहें होती थी कि वो क्या करते हैं, आपको भी जानकर शायद आपकी जानकारी में हो। मैं नहीं कह रहा कि ये इसमें क्या सच्चाई है कि उनको जब बुखार आता था तो वो आम के पेड़ के नीचे लाल चींटियों से कटवाते थे अपने को, और ये एक तरीका था जिस पर आप जैसा कोई शोधार्थी हो तो शायद उस पर शोध कराए कि इन चींटियों के लाल चींटियों के काटने से क्या बुखार पर कोई फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये करिएगा मत क्योंकि इसकी कोई सर यहाँ जी हमारे यहाँ पे एक हम लोग जो जोंक आती है, हाँ हम लोग लीच थेरेपी यहाँ दे रहे हैं जी। तो लीच थेरेपी मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एम्स में या किसी भी उसमें इतना लार्ज स्केल पे हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हों, तो हम लोग उसको दे रहे हैं। और उसमें बहुत अच्छे जो एक वेरिकोज वेन होती हैं, नसें बहुत फैल जाती हैं, उसमें बहुत अच्छा है। और हमारे पास एक लिस्ट है पूरे मरीजों की जो सक्सेसफुल हो गए हैं। तो प्रयास मुझे यही करना चाहिए कि खारिज किसी को नहीं करना चाहिए, खारिज करने से पहले प्रयास ये करना चाहिए कि क्या उसमें कोई दम है या नहीं है। यह आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि अब तक मैं कहीं देखता था कि एक कन्फ्रंटेशनिस्ट मोड खड़ा ही हो जाता था। बिल्कुल। टकराहट हो जाती थी अल्टरनेटिव मेडिसिन में और एलोपैथी में, लेकिन ये आपने इसको ब्रेक किया। आखिरी सवाल कर रहा हूँ सर, बहुत ही ज़बरदस्त आपने बातें हमारे साथ शेयर की। आपका जो एक्सपर्टाइज है एम्स का और आपका व्यक्तिगत जो एक्सपर्टाइज है, मध्य प्रदेश के निजी हॉस्पिटल्स के साथ भी कोई ब्रिज आपका बनता है या बनाने की तैयारी है कि आप अपने अनुभवों को, अपने रिसर्च को शेयर करें आपस में, और जो आपके केसेस हैं जिससे ये पता चले कि आप दोनों, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक है और आपका जो अनुभव है उससे शायद निजी क्षेत्र बहुत लाभान्वित हो सकता है। देखिए, ऐसा है कि एम्स को कोई भी परहेज नहीं है। हम अपने सारी जो भी हमारी एक्सपर्टीज़ हैं, हमारी फैसिलिटीज़ हैं, उसको हम हेल्थ के किसी भी पार्टनर्स के साथ हम एक्सचेंज करना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं। वन स्टेट वन हेल्थ पे हम लोग काम कर रहे हैं एम्स भोपाल, और इसका कंसेप्ट ये है कि जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट की हेल्थ सिस्टम है और उसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही लोग आते हैं, उस सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं कहूँगा गैप्स हैं। गैप्स हैं, और उन गैप की वजह से क्या होता है कि पेरीफरी पे जो मरीज़ होता है उसको जो ट्रीटमेंट मिलता है वो उतना स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट नहीं होता है जितना कि एम्स में होता है। तो हर छोटी चीज़ के लिए मरीज़ कहीं ना कहीं टर्शरी सेंटर में या एम्स में आने की कोशिश करता है। एमपी गवर्नमेंट के साथ हम लोगों ने मिलके हमने इस बात पे काम करना शुरू कर चुके हैं एम्स भोपाल कि हम जो पीएससी और सीएससी पे जो डॉक्टर बैठे हैं उनको हम व्हाट्सएप से हम उनके साथ जुड़े हैं और उनकी परेशानियों को हम व्हाट्सएप से सुन के और या वीडियो कॉल करके हम लोग उनको सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने यहाँ बैठ के कम 45 विशेषज्ञ लोगों ने यहाँ पे बैठ के पूरे एमपी से हमने एक दवाइयों का और बीमारियों का किस प्रकार से लिखना चाहिए कि पीएससी पे पहुँचेंगे तो यहाँ तक का इलाज करिए, आपके पास सुविधा नहीं है तो अब इतना इलाज करके आप ऊपर भेज दीजिए। ना सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आपने आपने और इलाज किया, हमारे यहाँ कुछ और होगा, और जब तक वो हमारे पास आया तो हम कहते हैं कि 7 दिन वेस्ट हो गए। वो वेस्ट नहीं होने चाहिए। तो वो आपने जो इलाज शुरू किया वो हमारे इलाज का एक पार्ट होगा। तो जो समय उसको हमारे पास आने में लग रहा है वो वेस्टेज नहीं है बल्कि एक कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रीटमेंट है। तो इसमें हम लोगों ने प्राइवेट को भी जोड़ा, इसको हम लोगों ने सरकारी को भी जोड़ा, लेकिन आप जानते ही हैं कि प्राइवेट का अपना एक अलग मैंडेट होता है और हमारा अलग मैंडेट है। हमें फ्री इलाज देना है, सस्ता इलाज देना है और क्वालिटी इलाज देना है, और हमको जो हमारी गवर्नमेंट की हेल्थ की जो उनको इंसेंटिव्स जो उन्होंने कैशलेस स्कीम्स के रूप में दे रहे हैं वो उसके लिए हमारा कमिटमेंट है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस है मैंडेट में, लेकिन वन हेल्थ वन स्टेट पे जो एम्स भोपाल काम कर रहा है उसमें हम लोग खुल के हम किसी के साथ भी कोलैबोरेशन करने को तैयार हैं। आपके यहाँ जो नई पीढ़ी काम कर रही है बतौर चिकित्सक, पैरामेडिक्स, आप क्या देखते हैं? वो उस वैल्यू सिस्टम को ग्रहण कर रही है जिसको केंद्र सरकार की मंशा है, जिसकी प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह जी की जो मंशा है? देखिए, मेरा फर्म बिलीव है कि मैंने पहले भी बोला कि रोल मॉडल, यदि वो मुझे देखेंगे कि मैं कमिटमेंट के साथ सुबह 9 बजे आके रात में समय से जब तक पूरा काम ना हो जाए नहीं जाता हूँ, तो वो भी मुझे देख के वैसे ही करेंगे। तो मैं अपने आप को उस रूप में उनको दिखाने की कोशिश करता हूँ और मुझे बहुत ही इस बात का संतोष है कि आपको भी शायद पता लगेगा कि जो डॉक्टर्स, नर्सेज और जो हमारे पैरामेडिक्स का जो रिस्पांस है पेशेंट के प्रति वो उसमें बदलाव आया है। जो कंप्लेंट आती थी, जो डिससेटिस्फेक्शन होता था, लोगों को कहता था कोई सीधे मुंह बात नहीं करते, उसमें अंतर है। लेकिन समाज का भी अपना पतन हो रहा है, तो जब समाज का पतन हो रहा है तो सब चीज़ें कुछ ना कुछ तो कम हो रही हैं। लेकिन एज एडमिनिस्ट्रेटर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनको समझाऊं कि क्या करना चाहिए, और सब लोग बहुत ही रिसेप्टिव हैं। वो खुल के हमारी बात को सुनते हैं। और उसको आपके सारे स्टाफ की संख्या, चिकित्सक, पैरामेडिकल, सब कितनी होगी? करीब पूरा हम लोगों का मिला के लगभग 4000 से ऊपर है। इसमें चिकित्सक कितने होंगे? चिकित्सक हमारे यहाँ पे जो सीनियर फैकल्टी हैं वो 250 हैं, और हम यदि अपने रेजिडेंट जो उनको जूनियर डॉक्टर्स हम लोग बोलते हैं वो लगभग 1200 से ऊपर हैं। तो लगभग जो हैं 1500 से 1600 के बीच में हम लोग हैं, फिर नर्सिंग और ये सारे लोग अलग। सारे लोग। वाह सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपको कि जिस संकल्पना से आप आगे बढ़ रहे हैं वो मूल्य परंपरा है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि वो समाप्त हो रही है, वो बिल्कुल मौजूद है। लेकिन आप जैसे लोग हमको बहुत आश्वस्त करते हैं कि आप उस ट्रेडिशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत आपको शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह। अफसरनामा में अगली बार एक और इसी तरह की शख्सियत को लेकर उपस्थित होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।